मतलब 10 गोली ले ले ऐसे करके, तो ओकर बाद हम दोनों माता पिता दोनों रोने लगे। ओकर बाद वो मतलब पूछे कि बच्चा कहाँ है, तो वो मन हम मर्चुरी में ले गए। वही संदेह लगे थे मतलब कि वो हॉस्टल की ही ये सब ये हरे अधीक्षक की सर ही से कि मैं आगे बढ़ के कुछ करो या कुछ नौकरी करके दिखाऊं, ऐसे करके मोर गरीब परिवार के वो बच्चा है। आप रोइए, हॉस्टल से पूरा कपड़ा उपड़ा भी ला लिए, माता पिता को हॉस्टल भी जाने नहीं दिए। वो लोग हॉस्टल का अधीक्षक वहाँ आकर थाना में लाकर पूरा कपड़ा उपड़ा बैग वैग छोड़ दिए, और इन लोग जाना चाहते थे और जहाँ वहाँ से और लड़की पढ़ते हैं, हालांकि वो दूसरे रूम में रहती है, पर उनको पूछना चाहती तो बच्चे लोग भागते। जब तक हमारे बच्चे को इंसाफ नहीं मिलते, हमारी लड़की तो हमें छोड़ के चली गई, लेकिन हम अपने लड़की के लिए इंसाफ चाहते हैं और हम लड़ाई लड़ते हैं। क्या कुछ मामला है जहां पर एक छत्तीसगढ़ के जो हॉस्टल है वहां पर झिंझोड़ देने वाला एक मुद्दा सामने आ रहा है जो ज्वलित मुद्दा पैदा करती है, आइए समझते हैं। जी अपना परिचय बताएंगे। मोर नाम है श्रीमती धीरजाबाई मंडावी जी, ग्राम पंचायत अरजाल बालोद जिला के रहने वाली हूँ। क्या हुआ था? मतलब सुबह 2 तारीख को 5 बजे फोन आया कि सुबह की शाम को सुबह हाँ 5 बजे फोन आया कि केम लता की बेहोश होकर गिर गई है। उसके बाद फिर फोन आया था। कहाँ से फोन आ रही? से विज्ञान विकास केंद्र दुर्ग से। हाँ दुर्ग से ओकरे मोबाइल से मतलब फोन करेगी है मोर लड़की की, और बताया थे कि मतलब बोला जिला अस्पताल में भर्ती करे हन। ओकर बाद फिर फोन आते थे कि केम लता मतलब सांस ले बैठ तकलीफ होती है इसे करके। ओकर बाद मैं एकदम अचानक गाड़ी वाड़ी तैयार करके मैं यहाँ तक पहुँचे हूँ। यहाँ तक मोर बच्चा है, जब हॉस्पिटल में आऊँ तो मैडम मन रही से होकर अधीक्षक मन और मोर बताई से कि डॉक्टर से मिले से करके। जब मैं डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर का बोला हॉस्पिटल गए कि वहीं मिले रहे? जिला अस्पताल में मिले हूँ। जिला अस्पताल में जब मिले ना तो डॉक्टर बोली कि मतलब दवाई मतलब एक्सपायरी वाला मतलब 10 गोली ले ले ऐसे करके। तो ओकर बाद हम दोनों माता पिता दोनों रोने लगे। ओकर बाद वो मतलब पूछे कि बच्चा कहाँ है, तो वो मन हम मर्चुरी में ले गए जैसे। तब जब मैं यहाँ नहीं पहुँचे रहे तब मोर बच्चा ला मोल दिखाई भी नहीं और सीधा बोला डायरेक्टर मर्चुरी ले गए। मर्चुरी कौन ले गए सब? काबर आप दिखाई से पता नहीं, और काबर नहीं दिखाई सो मन। बॉडी आप देखे रहे हो? नहीं देखे हूँ, मोल दिखावे नहीं करी बॉडी में घर में देखे हूँ। अच्छा यहाँ आप लोग सिर्फ बताए कि चक्कर आके गिरे आपको? हाँ गिरे, हाँ गिरे ऐसे करके बोले। अभी आप लोग का संदेह लगा थे? वही संदेह लगा थे मतलब कि वो हॉस्टल की ही ये सब है हरे अधीक्षक की, अधीक्षक के लापरवाही लापरवाही की वजह से। किस टाइप में लापरवाही लगा था आप लोग? वही कि मोर बेटी से मतलब 1 तारीख के बात हो रही से कि माँ मोर 3 तारीख के पेपर है, एक पेपर 8 तारीख के हुई, तो मैं 3 तारीख के पेपर दिला के मतलब मैं घर वापस आता हूँ ऐसे करके बोले जिसे। ओकर बाद में है 7 तारीख के बुआ के घर रहूं, ओकर बाद में 8 तारीख के पेपर दिलाए दूर गज हूँ ऐसे करके बोले जिसे। और ओकर इतना होनहार बच्चा जिसे वह हर चीज़ में मतलब प्रथम डिवीजन स्थान प्राप्त करत रही से, और ओकर मंसर ही से कि मैं आगे बढ़ के कुछ करो या कुछ नौकरी करके दिखाऊँ ऐसे करके मोर गरीब परिवार के वो बच्चा है। आप रोइए मत। किस में पढ़ रही थी? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में? हाँ बी एस सी सेकंड। जी आइए उनके पिताजी से बात करते हैं। जी भैया जी, आप उनके पिताजी क्या नाम लिखते हैं आप? कार्तिक राम मंडावी। क्या हुआ भैया, क्या जानकारी मिली थी आप लोग को हॉस्टल में, कैसे आप लोग का आना हुआ था, कब की घटना है ये? कि सुबह 5 बजे की है, हमारे पास खबर आया तो उसकी मम्मी ने मोबाइल उठाई तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा बच्चा का स्वास्थ्य ख़राब है। उसके बाद 10 मिनट बाद फिर आया तो तुम्हारे बच्चा का स्वास्थ्य थोड़ा एकदम ज़्यादा ख़राब है, सांस लेने तकलीफ हो रही है जी। तो कितने साल की थी आपकी बेटी? हमारी बच्ची 19 साल की थी। कब से पढ़ाई कर रही थी वह छात्रावास में? छात्रावास में ये 2 साल, ये दूसरा साल थी। क्या कहना है इस पूरे विषय पर? इसके विषय पर मेरे को ये कहना है कि मेरे बच्ची ऐसे तो स्वास्थ्य में अच्छी थी, कभी दुख दर्द नहीं पाई थी, ये सब जालसाजी वो सब हॉस्टल की है। जालसाजी? आप मतलब जालसाजी जैसे कह रहे हैं, तो कुछ जानकारी मिली क्या आपको? जानकारी तो मतलब चलिए ठीक है, आप कुछ बताना चाह रहे थे? हाँ मतलब वो 2 तारीख के मतलब बात करी है मोरसन, मतलब खाना खाए के पहले और खाना खाए के बाद पूरे वीडियो कॉलिंग से बात करे गए हैं 1 तारीख के, और 2 तारीख के मतलब फटाफट, और सहेली मन से भी बात करे है 2 तारीख के रात में 11 बजे के आसपास तक वो लड़की मन से बात करे, पूरा नॉर्मल बात करे जी। आप जी आइए थोड़ा सा। हाँ 1 तारीख आप पूरे मामले को अच्छे से बताइएगा कि क्या है मामला,
क्यों ऐसा हुआ, क्या स्थिति निर्मित हुई है? मैं बताना चाहती हूँ जी, अगर हॉस्टल से खबर आती है बच्चे की माँ के पास कि आपके बच्चे गिरकर बेहोश हो गई करके, तो बच्चे बेहोश होकर गिर गई तो माँ के आते तक बच्चे को फिर ख़त्म हो गई, उसको पंचनामा भी कर दिए और उसको मछुरिया में भी ले गए, और माँ माता पिता को दिखाना चाहिए उन लोग को। हाँ। तो माता पिता को तो दिखाया नहीं, तो माता पिता को दिखाए नहीं थे, उन लोग ने सारे प्रोसीजर कर डाले, सारे प्रोसीजर कर चुके। तो मेरी ये कहना है कि अगर कुछ होती है तो पहले माता पिता को दिखाना चाहिए, और माता पिता जब तक आए नहीं थे तब तक कैसे उसको ये सब कर लिए, पोस्टमार्टम में भी कर लिए, और उसके बाद हॉस्टल से पूरा कपड़ा वपड़ा भी ला लिए, माता पिता को हॉस्टल भी जाने नहीं दिए, वो लोग हॉस्टल के अधीक्षक वहाँ आकर थाना में लाकर पूरा कपड़ा वपड़ा बैग वैग छोड़ दिए, और इन लोग जाना चाहते थे, और जहाँ वहाँ से और लड़की पढ़ते हैं, हालाँकि वो दूसरे रूम में रहती है, पर उनको पूछना चाहती तो बच्चे लोग भागते थे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ अगर ये सी है तो माता पिता को देखना चाहिए था, उसके माता पिता के सामने दिखाना चाहिए था, तो इन लोग को लाश ही सौंपी गई है। एक घटना कब की है? एक घटना 2 तारीख के है, इसी 2 तारीख की। हाँ, महीने की 2 तारीख के है, सुबह 5 बजे उसके मम्मी काम कर रही थी, यहाँ से उसके बच्चे की ही मोबाइल से अधीक्षक फ़ोन करते हैं कि आपके बच्चे बेहोश होकर गिर गई है, तो सोची जल्दी से जाएंगे करके, पर उतना दूर से, बहुत दूर में, मतलब मामला को रफा दफा किया गया, इस तरह से आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मामला को रफा दफा कर दिए लोग, तो ऐसे क्या घटना हुई थी बच्चे के साथ, हम लोग जानना चाहते हैं और बच्चे को इंसाफ दिलाना चाहते हैं हम लोग जी। अपना परिचय बताएंगे? मैं श्रीमती मीना डोंगरे बालोद जिला से, मितानी संघ से, राज्य में संगठन मंत्री हूँ मैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको क्या कुछ जानकारी मिला है? वही जो इनके द्वारा बताया जा रहा है वही जानकारी मिला है, लेकिन इसमें क्या है कि ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से जालसाजी किया गया है बच्ची के साथ में। बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, इस उम्मीद से फिर से आए हैं सर के पास में दरखास्त करने की, मतलब केस को रीओपन कराना चाहिए। जी, मैं बालोद जिला कुसुमकासा से नईम कुरैसी, हमारे समीपस्थ ग्राम अड़गाल की ये घटना है। माता पिता के द्वारा विज्ञान विकास केंद्र में रहने वाली लड़की केमलता हत्या का शंका जाहिर की जा रही है, और इनके द्वारा यहाँ पर पीएम रिपोर्ट के लिए आया गया था। इन्हें यहाँ पर सरकारी मातहतों के द्वारा गुमराह किया जा रहा है, और शायद इन्हें पीएम रिपोर्ट खुलासा न हो करके इन्हें शायद रोका जा रहा है। इसके स्पष्टीकरण के लिए इन्होंने यहाँ पर एसपी कार्यालय में अपने आप मतलब आवेदन देने के लिए यहाँ पर आए हैं, और लड़की का अचानक आकस्मिक निधन एक संदेहास्पद है, तो शायद इसमें जाँच की आवश्यकता है है, और उसी तारीख में शायद उस संस्था में कोई इवेंट भी किया गया था, शायद विदाई समारोह या फिर किसी बच्चे का बर्थडे भी कर रहा होगा। तो ये और संदेहास्पद है कि बच्ची उस दिन 2 तारीख के लगभग दो बजे तक वो अपने परिजनों से बात करती रही, और 5 से 6 बजे के बीच में इन्हें उस बच्ची के बारे में ये घटना की जानकारी दी। हम लोग को पीएम रिपोर्ट नहीं मिलेंगे तो फिर हम लोग तो लड़ाई करेंगे, हमारे समाज का हम लोग सहारा लेंगे, और जब तक हमारे बच्चे को इंसाफ नहीं मिलते, हमारी लड़की तो हमें छोड़ के चली गई, लेकिन हम अपने लड़की के लिए इंसाफ चाहते हैं, और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे। अभी तो हम कलेक्टर के पास आए हैं, हम मतलब गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ दो करके, आगे भी ये जारी रहेंगे, और जो इस सीएम में साजिश किए हैं अधीक्षक, उसकी लापरवाही से हमारी बेटी की जान गई है, उसको भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, वहाँ से आने नहीं दिया कि आप लड़की की बाड़ी 11 बजे पहुँच रहे हैं, आप वहाँ पे नहीं जा सकते करके कुछ लोग बोले, मैंने आई, मैं कुसुमे में थी। फिर जब शक हुआ, इन लोग को बोले कि गोली का पत्ता क्या है उसको बताओ आप, ऐसे करके देखो कौन सा गोली है करके, ये कही गोली के पत्ता देखने के लिए, फिर बताई कि गोली के पत्ता देखिए छोटा छोटा है, और क्या गोली थी मैंने नहीं पता, मैं बोली फोटो खींचना था उसका और लाना था ऐसे करके, वो ये बोली नहीं दीदी मैं फोटो नहीं खींची हूँ ऐसे करके, उसके रिपोर्ट लिखाने के लिए बोली थी कि थाना पे गई थी सिटी कोतवाली, हाँ तो वहाँ पे रिपोर्ट नहीं लिखेंगे करके बोल दिए, रिपोर्ट क्यों नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे बोल दिए, तो आपका केस को हम नहीं कर सकते, हम रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, ये दोनों गए थे नहीं लिखे। कौन कौन गए थे? आप गए थे? ये अच्छा, आप गए थे? हाँ, माता वहाँ गए। सिटी कोतवाली से क्या कहा गया कि हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे? हाँ, नहीं लिखेंगे ऐसे करके बोली, फिर में हमें कौन था एसपी ऐसा बोलने वाला, कौन था? वही पुलिस में बैठे रही थी, ओकर बाद में यहाँ एसपी से बात करें, एसपी से बात करते हूँ, एसपी नंबर काम, फिर मैं बच्चन धर के अपन घर चले गई।
बाहर निकल मतलब चले गए हैं, उसको कुसुम के जाल के लिए रवाना कर दिए हैं और पहले उनका अंतिम संस्कार करो उसके बाद रिपोर्ट लिखाना, ऐसे बोला गया इनको। पोस्टमार्टम में क्या आया? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट लेने के लिए अभी भटक रहे हैं, हमको मिला चले गए। पोस्टमार्टम नहीं मिला अभी, अभी तक रिपोर्ट पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं मिला है, नहीं मिला, उसके लिए हम लोग भटक रहे हैं। क्या नाम था बच्ची का? केम लता मंडावी। एक छात्रावास में जहां बच्ची पढ़ाई कर रही थी केम छात्रा के नाम से, उसकी तबियत बिगड़ने की सूचना देते हैं उसके पेरेंट्स को और वो जो पेरेंट्स है बालों से दौड़े भागे अपने बच्चे की सेहत के लिए दौड़ आते हैं। जब उसके पेरेंट्स जब यहां पहुंचते हैं दुर्ग में तो वो अपने बच्चे को मृत पाते हैं। ऐसे में अफरा तफरी में वो कोतवाली थाना जाते हैं जहाँ पर रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं, जिस जैसा कि इनके पेरेंट्स ने बताया उसके ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता, नहीं रिपोर्ट लिखा जाता है। आज 2 तारीख का हादसा, आज इतने दिन होने के बावजूद भी इन लोगों को अभी तक किसी भी प्रकार से पोस्टमार्टम के रिपोर्ट नहीं मिला है। ये एक गंभीर विषय बनती है कि क्यों पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के लिए जो परिजन है वो दर दर भटक रहे हैं, अंत में कलेक्टर महोदय से गुहार लगाने के लिए दुर्ग कलेक्टर पहुंचे हुए हैं। अब देखना ये है क्या इनकी जो बातें हैं, जिस चीजों को लेकर, जिन विषयों को लेकर यहाँ पर दुर्ग कलेक्टर पहुंचे हुए हैं, क्या इन परिजन की बातें को समझा जाता है या फिर एक सोचने गंभीर विषय है। हर खबर के लिए बने रहिए बीएनसी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।